अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान थिएटर्स में दर्शकों को डरा रही है। दर्शक इस भूतिया फिल्म को देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। फिल्म का जेनर लोगों को भा रहा है। फिल्म के स्टार कास्ट को भी खूब प्यार मिल रहा है। इस फिल्म में अजय के साथ आर माधवन भी हैं, जो विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका भी इस फिल्म का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि मेकर्स ने इस फिल्म को बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्चा किया है। ऐसे में स्टार्स ने भी इस फिल्म में दर्शकों को डराने के लिए करोड़ों रुपए फीस के तौर पर चार्ज किए हैं। तो चलिए फिर हम ये जान लेते हैं कि इस फिल्म में जो भी सितारे नजर आ रहे हैं उन्होंने इसके लिए कितनी फीस वसूली है। शुरुआत करते हैं जानकी बोड़ीवाला से। जी हाँ, एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला जो इस पिक्चर में अजय देवगन की बेटी के रोल में नजर आने वाली हैं, अगर उनकी फीस की बात करें तो उनके बारे में रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए फीस लिए हैं। ज्योतिका, साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस ज्योतिका भी इस फिल्म का हिस्सा है। उन्होंने भी काफी तगड़ी फीस वसूली है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उनके रोल के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए मिले। आर माधवन जो फिल्म में शैतान बनकर अजय और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो इस नेगेटिव किरदार के लिए आर माधवन ने 10 करोड़ रुपए की फीस ली है। अजय देवगन जो बॉलीवुड के एक टॉप एक्टर हैं और मोटी फीस चार्ज करने वाले एक्टर्स में उनकी गिनती होती है। रिपोर्ट्स की माने तो एक पिक्चर के लिए उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। अजय देवगन इस फिल्म में अपनी फैमिली को शैतान से बचाते नजर आ रहे हैं। फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस ज्योतिका अजय की वाइफ बनी है। आप बताइए शैतान आपको कैसी लगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।